हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सृष्टि द फ्यूचर में। स्टूडेंट, आज हम 25 फरवरी करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1944 से मनाते आ रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी बारिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अजय बंगा को। और ये जो विश्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किया है चीन विकास बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P द्वारा किस भारतीय कंपनी को विश्व स्तर पर नंबर वन स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, इसे शॉर्ट में NTPC भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए, यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह पुरस्कार शुरू किया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है बिश्वभूषण हरिचंदन ने। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। स्टूडेंट, ये थे आज के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को।